नमस्कार मित्रों, माप वनी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह। इस वीडियो में हम महान वीर तानाजी के बारे में जानेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 26 अप्रैल 1645 में हिंदी स्वराज स्थापित करने की शपथ ली थी। उन्होंने 12 मावला प्रांतों से कान्होजी जेदे, बाजी पासलकर, तानाजी मालुसरे, सूर्याजी मालुसरे, ऐसाजी कंक, सूर्याजी काकड़े, बापूजी मुगदल, नरस प्रभु गुप्ते, सोनोपंत डबीर जैसे लोगों को एकजुट किया जो भोर के पहाड़ों से परिचित थे। इन सिंह समान महापराक्रमी मावलों में से एक थे तानाजी मालुसरे। वीर तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर सेनापति और मराठा सरदार थे। उनकी वीरता के कारण शिवाजी उन्हें सिंह कहा करते थे और ये 1600 ईस्वी में जन्मे थे। उनकी माता का नाम पार्वती बाई और पिता का नाम सरदार कोलाजी था। उनके भाई का नाम सरदार सूर्याजी था। जब शिवाजी कोंडाणा किले को जीतने निकले थे तब तानाजी अपने पुत्र के विवाह में व्यस्त थे। सारों और उत्सव का वातावरण था। तभी उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का संदेश मिला कि माता जीजाबाई ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक कोंडाणा दुर्ग पर मुगलों के हरे झंडे को हटाकर भगवा ध्वज नहीं फहराया जाता तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। तुम्हें सेना लेकर इसी समय दुर्ग पर आक्रमण करना है और अपने अधिकार में लेकर भगवा ध्वज फहराना है। यह संदेश पाकर तानाजी ने कहा कि विवाह के बाजे बजाना बंद करो और युद्ध के बाजे बजाओ। सभी ने तानाजी से कहा कि पहले पुत्र का विवाह तो हो जाने दो, फिर आज्ञा का पालन कर लेना। लेकिन तानाजी ने उसी आवाज़ में कहा, नहीं, पहले कोंडाणा दुर्ग का विवाह होगा, बाद में पुत्र का विवाह। यदि मैं जीवित रहा तो युद्ध से लौटकर विवाह का प्रबंध करूँगा। यदि मैं युद्ध में काम आया तो शिवाजी महाराज हमारे पुत्र का विवाह करेंगे। इसके बाद सेना लेकर वीर तानाजी शिवाजी से मिलने पहुँचे। उनके साथ उनके भाई और 80 वर्षीय शेलार मामा भी थे। वहाँ पहुँचकर शिवाजी महाराज ने उनका स्वागत किया और दोनों में परामर्श होने के बाद फिर वे सेना लेकर दुर्गम कोंडाणा दुर्ग के लिए निकल पड़े। तानाजी के नेतृत्व में मराठा सेना ने रात में आक्रमण कर दिया। दुर्ग के लिए भीषण युद्ध हुआ। कोंडाणा का दुर्गपाल उदय भानु राठौड़ था, जो कि मुगल सेनापति जय सिंह के आदेश पर किले की रक्षा कर रहा था। उसके साथ लड़ते हुए तानाजी महाराज वीरगति को प्राप्त हुए। थोड़ी ही देर में शेलार मामा के हाथों उदय भानु भी मारा गया। सूर्योदय होते होते कोंडाणा दुर्ग पर भगवा ध्वज फहरा दिया गया। 1670 ईस्वी में कोंडाणा किले या फिर सिंहगढ़ को जीतने में तानाजी ने वीरगति प्राप्त की थी। शिवाजी को जब ये समाचार मिला तो उन्हें दुख के साथ प्रसन्नता भी हुई। शिवाजी महाराज को तब बड़ा दुख हुआ जब उन्हें यह पता चला कि तानाजी उनके आदेशों का पालन करने के लिए अपने पुत्र का विवाह छोड़कर आए थे। तब उनके मुख से निकल पड़ा, गढ़ आला पण सिंह गोला, अर्थात गढ़ तो हाथ में आ गया परंतु सिंह या फिर मेरा तानाजी शिला गया। उसी दिन से कोंडाणा दुर्ग का नाम सिंहगढ़ हो गया। ये किला लगभग 4304 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। तानाजी ऊपर पहुँचने के लिए लगभग 2300 फुट सड़े होंगे। तानाजी 342 सैनिकों के साथ अंधेरी रात में सड़े और जाकर अंदर से किले का दरवाज़ा खोल दिया, जहां अंधेरे में ही उनके भाई सूर्याजी 500 अन्य सैनिकों के साथ आकर इंतजार कर रहे थे। दोनों का लगभग 5000 मुगल सैनिकों के साथ भयंकर युद्ध हुआ था। युद्ध करते समय जब उनकी ढाल टूट गई तब उन्होंने अपने शीर के फेटे को अपने हाथ पर बांधा और तलवार के वार वे अपने हाथों पर झेलने के लिए मजबूर हो गए। युद्ध के दौरान तानाजी अपने सैनिकों की हिम्मत बढ़ाने के लिए जोर जोर से गाना गाने लगे। उनकी वीरता को देखकर सैनिकों में जोश भर गया और उन्होंने 5000 मुगल सैनिकों को धूल सटा दी। तानाजी महाराज की वीरता और उनके बलिदान को कभी नहीं भूला जा सकता।